What's up guys, this is Gadekar Shiva. Guys, हर कोई कहता है कि आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से इंग्लिश में बात करने से या खुद मन के अंदर ही इंग्लिश में गुनगुनाने से या दिमाग में लगातार अपनी नेटिव लैंग्वेज के बदले इंग्लिश में सोचने से इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आप इंग्लिश में बोलने लगोगे। लगभग कई मात्रा में यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टिप्स बताने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये गलत भी नहीं है और ये एकदम सही टिप्स है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। लेकिन दोस्तों, कोई हमें ये नहीं बताता है कि आखिर हम अपने आप से इंग्लिश में क्या बोले। ऐसे वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम अकेले में ही अपने आप से बोला जा सकता है। हम थोड़ी ना पागल है जो कुछ भी, मतलब कुछ भी पागलों की तरह जो मन में आए वो आईने के सामने बक दे। थोड़ी ना हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए और उन सभी इंग्लिश प्रेमियों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आया हूँ जिन्हें कि आप सिचुएशन के अनुसार आप अपने आप से बोलते समय यूज़ कर सकते हो। चाहे आप अकेले में हो या आईने के सामने हो या कहीं पर भी हो, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ये जो सेंटेंसेस है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत कॉमन है और अक्सर हम हमारे ज़िंदगी में इन्हें यूज़ करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देर किए हम वो सेंटेंसेस जान लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। मतलब, Why does it always happen to me? मान लो कि गाइस, जब कभी भी आप मन बनाकर मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हो और जब कभी भी आप जाते हो तभी हाउसफुल बोर्ड आपको बाहर देखने के लिए मिलता है और आपको मूवी की टिकट नहीं मिलती है, तब आप निराश होकर अपने आप से कहते हो कि यार, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। तब आप ये सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कि Why does it always happen to me? Why does it always happen to me? मतलब, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। दूसरा सेंटेंस है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब, Why is this happening to me? जब हम गुस्से में हो या निराश में हो, हम बहुत बार ये कहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि Why is this happening to me? Why is this happening to me? मतलब, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मतलब, What is happening with me? ये मेरे साथ क्या चल रहा है? मतलब, What is going on with me? अब मुझे क्या करना चाहिए? मतलब, What should I do now? कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि जब हम अकेले होते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, तब हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में अपने आप से कहेंगे कि What should I do now? What should I do now? मतलब, मुझे क्या करना चाहिए। या हम इस सेंटेंस को शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं कि मैं क्या करूं? मतलब, What do I do? मुझे ये बहुत पहले ही करना चाहिए था। मतलब, I should have done this long ago. जब हम कोई काम टाइम के मुताबिक नहीं करते हैं, जैसे कि मान लो कि आप कोई जॉब अप्लाई करने जाते हो और जब आपको पता चलता है कि जॉब के लिए अप्लाई करने का डेट जो है वो ख़त्म हो चुका है, तब हमें लगता है कि यार, मुझे ये बहुत पहले ही करना चाहिए था। तब उन सिचुएशन में आप अपने आप से ये बात इंग्लिश में कहोगे कि आई शुड हैव डन दिस लॉन्ग एगो। आई शुड हैव डन दिस लॉन्ग एगो। मतलब, मुझे ये बहुत पहले ही करना चाहिए था। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब, आई शुड नॉट हैव डन दिस। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया और आपको वो नहीं करना चाहिए था, तब आप अपने आप से इंग्लिश में कहोगे कि आई शुड नॉट हैव डन दिस। आई शुड नॉट हैव डन दिस। मतलब, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। काश कि कोई मुझे बताता कि अब मुझे क्या करना है। मतलब, आई जस्ट विश समवन वुड टेल मी व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट।
जब हम अकेले में कोई काम कर रहे होते हैं और हमें यह समझ में नहीं आता है कि वो काम कैसे आगे बढ़ाया जाए, तब हम अपने आप से कहने लगते हैं कि यार काश कि कोई मुझे बताता कि अब मुझे क्या करना है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि आई जस्ट विश समवन वुड टेल मी व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट। मतलब काश कि कोई मुझे बताता कि अब मुझे क्या करना है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया है। मतलब ओ नो, व्हाट हैव आई डन। जब आप कोई काम गलती से या अनजाने में कर देते हो, तब आप अपने आप से कहते हो कि अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया है। तब आप इस सेंटेंस को अपने आप से इंग्लिश में कहोगे कि ओ नो, व्हाट हैव आई डन। ओ नो, व्हाट हैव आई डन। मतलब अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोलते हैं कि अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने इस सेंटेंस के अंत में है यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम इंग्लिश में इसे ऐसे कहेंगे कि ओ नो, व्हाट डिड आई डू। मतलब अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। और कुछ सेंटेंसेस हम भगवान के साथ भी बोलते रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल, हे भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब ओ गॉड, व्हाट एम आई डूइंग। हे भगवान, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब ओ गॉड, व्हाई एम आई डूइंग दिस। हे भगवान, ये मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ओ गॉड, व्हाट एम आई सेइंग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है। मतलब आई कैन बिलीव दिस इज रियली हैपनिंग टू मी। हमारे साथ कभी कभी ऐसे कुछ होने लगता है कि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि वो हमारे साथ हो रहा है। तब हम अपने आप से इंग्लिश में कहेंगे कि आई कैन बिलीव दिस इज रियली हैपनिंग टू मी। आई कैन बिलीव दिस इज रियली हैपनिंग टू मी। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है। मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब Why am I not able to do this? जब कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा हो तो तब अपने आप से हम कहते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कहेंगे कि Why am I not able to do this? Why am I not able to do this? मतलब मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया। मतलब I think I forgot something। जब हम कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं, तब हमको एहसास होता है कि हम कुछ भूल गए हैं। तब हम अपने आप से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि I think I forgot something। I think I forgot something। मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया। हम साथ ही साथ ये भी अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं कुछ भूल गया। मतलब डिड आई फॉरगेट समथिंग। कुछ सही नहीं लग रहा है। मतलब समथिंग डजंट फील राइट। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी हो रहा हो लेकिन आपको वो ठीक नहीं लगता है, तब आप इंग्लिश में अपने आप से कहोगे कि समथिंग डजंट फील राइट। समथिंग डजंट फील राइट। मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है। कौन हो सकता है। मतलब हु कुड इट बी। अगर रात के 12 बजे कोई आपके दरवाज़े को खटखटाता है तो आपके दिमाग में यही सवाल आता है कि इतने रात में कौन हो सकता है। तब आप अपने आप से इंग्लिश में कहोगे कि हु कुड इट बी। हु कुड इट बी। मतलब कौन हो सकता है। आज का आखिरी सेंटेंस है वो क्या था। मतलब व्हाट वॉज दैट। मान लो कि आप अपने कमरे में अकेले हो और उतने में ही दूसरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तब आप अपने आप से कहते हो कि ये आवाज़ क्या था या ये क्या था। तो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में अपने आप से कहेंगे कि व्हाट वॉज दैट।
What was that? मतलब वो क्या था? तो ये थे गाइस कुछ सेंटेंसेस जो कि हम अपने आप से बात करते समय इंग्लिश में लगातार यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस जानते हैं तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि मुझे और दूसरों को भी पता चले और उन्हें भी हम इंग्लिश बोलते समय यूज़ कर सकें। तो गाइस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ये मेरा चैनल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करते आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।